नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जनसेवा टीवी पर। क्षमा चाहूँगा क्योंकि पहले लाइव आया था लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू था जिस कारण लाइव बीच में ही कट गया तो बात नहीं हो पाई। तो जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि लाइव आने का आज जो कारण है वो क्या है, तो कल जब प्रवीण भाई हमारे साथ बैठे हुए थे लाइव में, यूट्यूब पर लाइव किया हुआ था, तो उस समय एक भाई ने प्रश्न किया कि भाई ये जो पटाखे बजाते हैं जब कोई बाहर जाता है तो जो बम पटाखे बजाते हैं, कह रहे ये बैन होने चाहिए, इनसे कह रहे बहुत पोल्यूशन होता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो ध्वनि प्रदूषण हो, ये समस्या ही उत्पन्न करते हैं। तो इस चीज को मैंने ये कहा था कि भाई ये तो हमारे हाथ में है कि हमें जो पैसे हम बम पटाखों पर प्रयोग कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनका सही से प्रयोग कैसे करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने कहा था कि वो पैसे जिनसे आप बम बजा रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, उन पैसों को अगर गरीब लोगों को खाना खवा दिया जाए या गरीब बच्चों को कपड़े या जूते दिलवा दिए जाएं तो उनका अच्छे से प्रयोग हो सकता है। तो उस समय कई दोस्तों ने सहमति भी दी थी कि बात सही है, लेकिन कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि प्रदीप भाई आपने रात ये बात बोली थी कि जो बम पटाखे बजाते हैं वो पैसों का जो है दुरुपयोग हो रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं, तो उनका सही से प्रयोग करना है। तो हमें ये बताइए कि गरीब लोग कौन है, किनकी हेल्प करें, किनको हम भोजन उपलब्ध करवाएं, किनको हम जूते दें, किनको कपड़े दें, तो गरीब लोग कौन है। तो मैं इसका जवाब देने में असमर्थ था। अगर आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हो तो कमेंट कर सकते हो कि कौन है गरीब लोग। तो मेरी नजर में अगर मैंने सही तरीके से इनके बारे में सोचा कि गरीब कौन है, तो मेरी नजर में तो कोई भी आज गरीब नहीं है। कोई भी जिसको भगवान ने हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे हैं, सोचने के लिए दिमाग दे रखा है, बोलने के लिए मुंह दे रखा है, वो गरीब नहीं है। तो गरीब की अगर हम परिभाषा देते हैं तो यही लेते हैं कि गरीब लोग वो हैं जो भट्ठों पे काम कर रहे हैं, नंगे पांव घूम रहे हैं। अगर वो गरीब हैं तो वो काम सबसे ज्यादा करते हैं, हमारी तरफ तो उनके जितना काम कोई करता भी नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं। वो गरीब है तो अमीर कोई हो ही नहीं सकता है। अब गरीब होना ये हमारे हाथ में है, गरीबी को कैसे हटाना है ये भी हमारे हाथ में है। जो भट्ठे वाले हैं वो पूरा 15 दिन बाद हिसाब करवाते हैं, और जिस दिन वो हिसाब करवाते हैं तो उस दिन उनका जो जश्न होता है वो देखने लायक होता है, किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से शराब पीते हैं। वो जितना पैसा कमाते हैं 15 दिन में लगभग उसका 70-80% खाने पीने में निकाल देते हैं। तो ये तो जो गरीबी है वो अपने हाथों कर रखी है। या फिर गरीब वो लोग हैं जिनके मकान कच्चे हैं, बिल्कुल गिरने वाले हो रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जिनको एक टाइम की अगर उन्होंने खा लिया और दूसरे टाइम की टेंशन हो जाती है, क्या वो गरीब है। लेकिन अगर बात करूं जिनके मकान कच्चे हैं, जो बिल्कुल टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, अगर वो गरीब हैं तो वो भी गरीब ऐसे ही नहीं है, उनके भी गरीब होने का कारण है। क्या कारण है आप सोच के देखो। आज दो जो मजदूरी है वो 500 रुपये मजदूरी चल रही है। अगर एक आदमी, चाहे उसका परिवार वैसे इतने बड़े परिवार नहीं है, अब हर घर में लगभग 2 ही बच्चे होंगे, 2 नहीं तो 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं है। अगर 6 लोगों का परिवार है और उसमें अगर आदमी 500 रुपये की डेली मजदूरी कर रहा है, तो 500 रुपये में से अगर वो 150 रुपये भी खाते हैं डेली के, वैसे 150 रुपये अगर सही से खाएं, जो नॉर्मल खाना है हमारा, 150 रुपये खाए नहीं जाते हैं डेली,
लेकिन अगर हम तरह तरह के पकवान बनाएंगे, तरह तरह की चीजें मंगवाएंगे, तो 150 क्या, चाहे 1000 रुपये खर्च लो डेली। तो अगर 150 रुपये भी खाते हैं 500 रुपये में से, तो 300 रुपये डेली बचत के होते हैं। यानी कि अगर 30 दिन होते हैं महीने में, 30 दिन में से अगर 20 दिन भी काम मिल गया, फिर भी कुछ ना कुछ उसकी जेब में बचत होगी। लेकिन गरीब लोग कैसे बन रहे हैं, इसका भी एक कारण है। आज आप सर्वे करके देख लो, जो शराब है, जो नशा है, वो वही लोग ज्यादा कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हम तो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाई के, जिनके पास आमदनी के कोई साधन नहीं है, सिर्फ मजदूरी है, वो लोग ज्यादा शराब पीते हैं। वो लोग जिसके पास सभी तरह के साधन हैं, हर तरह से सक्षम है, वो इतना नशा नहीं करते, इतनी शराब नहीं पीते। वही लोग क्यों शराब पीते हैं जो डेली मजदूरी कर रहा है, जिसके पास और कोई आमदनी का साधन नहीं है, सिर्फ मजदूरी के सिर पे ही वो जी रहा है। वो क्या करते हैं डेली, उनका काम है कि जी थकावट होती है, क्योंकि कईयों से पूछा कई बार, कहते हैं थकावट होती है, सारा दिन काम करने के बाद शराब पी लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पीने से अगर थकावट कम होती है, तो जो शराब नहीं पीते वो तब तक मर जाने चाहिए थे, काम तो वो भी करते हैं, वो कैसे जिंदा है। अब एक आदमी मजदूरी कर रहा है, 500 रुपये लेके आया, 500 में से 100 या 150 रुपये की कम से कम शराब पिएगा पिएगा, इससे ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन कम से कम 100 या 150 रुपये तो कम से कम होते ही होते हैं। अगर इतने की शराब लेगा, तो शराब के साथ जब शराब पीता आदमी तो कुछ ना कुछ खाता भी है, तो 50-60 रुपये वो भी होंगे पक्का, यानी 200 रुपये चले गए। और जब आदमी शराब पी लेता है, तो शराब पीने के बाद आदमी शहंशाह बन जाता है, राजा बन जाता है, पता नहीं मैं तो क्या बन गया। शराब पीने के बाद फिर आदमी घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। वैसे अगर शराब नहीं पी रखी है, फिर तो आदमी बचत करने की सोचता है, लेकिन अगर शराब पी रहा है, तो वो सोचेगा बच्चों के लिए ये भी ले चल, ये भी ले चल, तो 200 रुपये 150 रुपये वहां खर्च कर देता है, 500 में से 200 खुद खा लिए और 150-200 रुपये ये गए। फिर उसके बाद जो घर का खर्चा रह गया वो अलग, यानी 500 रुपये उसके जो कमाए वो सारे के सारे वो एक दिन में खत्म कर देता है। तो क्या वो गरीब है? बिल्कुल भी नहीं, उसको हम गरीब नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जो गरीबी है वो अपने हाथों पाल रखी है। गरीबी खुद के हाथों गरीब होना, उसको गरीबी नहीं कहते हैं। अगर आदमी किसी तरह से विकलांग है, अपाहिज है, उसको हम गरीब कह सकते हैं कि हाँ वो गरीब है, वो काम नहीं कर पा रहे। अब कई लोग कहते हैं कि किसी गरीब की लड़की की शादी कर दो, मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, बिल्कुल सही बात है कि हाँ गरीब की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन गरीब है कौन ये देखो। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई नशा नहीं कर रहा है, किसी तरह की किसी भी चीज का सेवन नहीं कर रहा है, तो वो काम करने में समर्थ नहीं है, तो वो गरीब है। लेकिन एक आदमी ने सारी उम्र शराब पीने में निकाल दी, ना वो घर बना पाया, ना पैसे जोड़ पाया, लड़की शादी लायक हो गई 15, 16, 17, 18 साल में, यानी कि 15 से 18 साल के बीच में, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ उसने खाने पीने में सारे पैसे ऐसे उड़ा रहा है और काम भी लगातार कर रहा है, तो उसको गरीब कैसे कह सकते हैं। तो ये तो अपने हाथों गरीबी हमने अपने पल्ले बांध रखी है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप विश्वास कीजिए, लगभग शराब ज्यादा वही लोग पीते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं, जो सिर्फ मजदूरी के सिर पर होते हैं, और मजदूरी करने के बाद वो कम से कम 400-500 रुपये तो डेली कैसे ही खर्च करते ही करते हैं, जितने वो कमाते हैं उतने खा जाते हैं, बचत कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से, जब साथी ने मेरे से पूछा है गरीब कौन है, तो मेरे हिसाब से तो आज दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति खुद के लिए कमा सकता है, खुद के लिए कर सकता है। तो मेरी समझ में तो यही आया कि अगर गरीबी की परिभाषा दें, तो गरीब तो आज कोई भी नहीं है समाज में। दलबीर भाई भी आ गया है, यहाँ पहुंच गया है दलबीर भाई, इसका स्वागत करता हूं मैं।
बहुत अच्छा साथी है अपना ये। तो अगर आपको भी पता है कि हाँ गरीब कौन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन जिन लोगों को लोग गरीब बताते हैं उनका तो मैंने गरीबी का कारण आपको बताया। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हो कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।